फिरोजाबाद में भीषण गर्मी में समाजवादियों का सियासी पारा चढ़ गया है, जहां सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी और उनके नजदीकी कहे जाने वाले सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव ने शिकोहाबाद में एक समाजवादी सम्मेलन कर राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और उनके पुत्र फिरोजाबाद सांसद अक्षय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिरोजाबाद जिले के चौथे सपा विधायक हरिओम यादव के पुत्र विजय प्रताप सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मुखर हुए विधायक पुत्र ने अपने समर्थकों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया, जहां खुले मन से सपा महासचिव के खिलाफ आरोप लगाए। हरिओम यादव ने कहा कि राम गोपाल यादव के गुर्गे और भांजे अवैध शराब का कारोबार करते हैं। उन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे समेत कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसा है कि हमने तो वो जो बात आदरणीय शिवपाल सिंह ने हमारे बात कही है, ये बात हम पहले कह चुके थे मीडिया में, आपने हमारा छपा हो, हमको तो पहले ही कह चुके थे कि शराब माफिया हमारे जिले को बर्बाद कर रहे हैं। प्रोफ साहब के भांजे तो शराब भी बेचते हैं और काला तेल का काम भी कर रहे हैं और जमीन भी घेरते हैं और ट्रैक्टर भी हमारे क्षेत्र के लुटवाते हैं। रामगोपाल यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश और मुलायम में झगड़ा करवाया। रामगोपाल के पुत्र और फिरोजाबाद सांसद अक्षय यादव को जिले से हटाने की सभा में मांग की गई। साथ ही अखिलेश डिम्पल या मुलायम सिंह यादव को फिरोजाबाद से लड़ाने की मांग हुई। अगर आज की कोई बैठक है तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी में अनुशासन है और उस अनुशासन के दायरे के हिसाब से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन सब चीज़ों का संज्ञान लेके जो भी बात होगी उस पर अपना निर्णय देगा। इस तरह के मुद्दे राजनीति में आते रहते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व तो सक्षम है, उनका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगी। सम्मेलन में अक्षय यादव भगाओ किनारे भी लगे। बता दें आपको, सभा के बागी और अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर भी अखिलेश यादव ने नकेल कसना शुरू किया। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने सपा के विधायक हरिओम यादव के पुत्र और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह को पार्टी से निकाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।